अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो SIUT रिज़ल्ट 2023 जो है वो अनाउंस हो चुका है। आप लोग जो है सबसे पहले SIUT एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, ठीक है। उसमें SIUT एडमिशन पोर्टल पर आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद जो है इसी के अंदर नीचे आप जाएंगे एडमिशन, देखें इसमें से पहले एडमिशन 2024 आर क्लोज, इसके नीचे जो है लिखा हुआ है रिज़ल्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2024, ठीक है। आपको इसको क्लिक करना है। इसके बाद जो है इसमें आप लोगों को तीन ऑप्शंस मिलेंगे, BS मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों को ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहे BS मेडिकल टेक्नोलॉजी के तो आप BS मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर BS जेनरिक नर्सिंग वाले हैं तो सेकेंड ऑप्शन पर, और अगर नर्सिंग असिस्टेंट का आपने टेस्ट दिया है, ठीक है, तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया डाउनलोड का ऑप्शन। उसके बाद आप लोगों को पूरी जो लिस्ट है, ठीक है, जितने भी बच्चे अपीयर्स हुए थे उन सबकी जो लिस्ट होगी, नंबर ऑफ लिस्ट, उसमें से आप जाके अपना रोल नंबर चेक करके, ठीक है, रोल नंबर्स और जो है नेम और जो है नंबर्स, जो आपने कितने नंबर्स जो है हासिल किए हैं वो सब लिखे हुए होंगे, उस हिसाब से आप लोग अपना जो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एंट्री टेस्ट का रिजल्ट है, इसमें एग्रीगेट का अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट आप लोगों की इंटर की परसेंटेज और इंटरव्यू से मिलकर बनेगी, लेकिन इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू का इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। 20% इंटरव्यू जो है इसकी पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने इंक्लूड किया है, मगर जो है इसमें इसका इंटरव्यू जो है बिल्कुल सिंपल होता है। जस्ट आपसे पूछते हैं कि SIUT में आप लोगों ने अप्लाई क्यों किया है, और आपसे ये पूछते हैं कि आपका जो है आप मेरिट नंबर ये बना है तो इस हिसाब से आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है वो आप लोगों को मिल सकती है या नहीं। अगर आप लोगों की जो है मेरिट नंबर लो होगा तो आप लोगों को जो है वो कम मिलेगी, ठीक है, आप लोगों को, तो आप लोगों को जो है वो दूसरी प्रायोरिटीज़ आप लोगों को बताएंगे कि सेकंड थर्ड जो है वो आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को एंट्री टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। अभी एग्रीगेट नहीं बना है, ठीक है, तो एग्रीगेट पर भी आप लोगों की अगर इंटर की परसेंटेज अच्छी होगी तो आप लोगों का मेरिट नंबर और हाई हो सकता है। अगर इंटर की परसेंटेज लो होगी तो थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से BSMT की 90 सीट्स हैं, अगर आप लोगों का मेरिट नंबर 90 के अंडर है कि आप लोगों की सीट सिक्योर है, ठीक है, 90 सीट्स होती हैं, तो अगर 90 के अंडर है तो आप लोगों की सीट सिक्योर है। BS जेनरिक नर्सिंग में 50 सीट्स होती हैं, ठीक है, 50 सीट्स होती हैं, अगर उसके अंडर है आप लोगों का तो आप लोगों की भी सीट सिक्योर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए और अपना एग्रीगेट आप लोगों का अच्छा हो, आप मैं यही दुआ करती हूँ। और आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्रीगेट कितना बन रहा है, ठीक है, और आप लोगों ने किसका टेस्ट दिया था, BSMT का या BS जेनरिक नर्सिंग का। और अगर आप लोगों को इंशाल्लाह इंटरव्यू की कॉल आती है तो इसका मतलब समझ लें कि आप लोगों का एडमिशन हो चुका, ठीक है। अब सिर्फ आप लोगों को वहां पर डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और अगर किसी ने डोमिसाइल का अभी तक नहीं बना है तो वो भी जल्द अज़ जल्द बना लें, ठीक है, क्योंकि वो डोमिसाइल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, ठीक है। तो मेरी पूरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।